नमस्कार मैं मोहम्मद आसिफ़ और आप देख रहे हैं एस पी एन नाइन न्यूज़ इन दिनों अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं अखिलेश यादव को उनके ही कार्यकर्ताओं ने एक चिट्ठी लिखी है उस चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है वो हम आपको बताएंगे तो आपके और भी होश उड़ जाएंगे कि अखिलेश यादव के इतने बुरे दिन क्यों हो गए और आखिर कैसे हो गए और इसका जिम्मेदार भी कौन है ये जानना आपके लिए और भी बेहद ज़रूरी हो गया तो उस चिट्ठी का ज़रा हम जिक्र करें लेकिन उससे पहले ये बता दें कि इन दिनों यूपी की सियासत में नए नए मोर आ रहे हैं कभी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता सड़कों पर चले आते हैं तो कभी उनके आईटी सेल वाले कुछ आ, कुछ भी जो है आ, वो ट्वीट कर देते हैं जिसको लेकर अलग ही बवाल मस्ता नज़र आ रहा है लेकिन फिर से एक बार रामपुर में जो चुनाव हुए आज़म खान के साथ जो कुछ हुआ वो आप सबने तस्वीरें देखी आकाश सक्सेना बीजेपी की तरफ से किस तरीके से जीत दर्ज की ये भी आपने देखा और अब इन सब के बीच में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक चिट्ठी लिखी है अखिलेश यादव को अब उस चिट्ठी में क्या लिखा है जरा सुन लीजिए फिर आप समझिएगा कि इसके पीछे क्या हो रहा है और आज़म खान कितना बड़ा झटका अखिलेश यादव को दे सकते हैं चिट्ठी में लिखा है समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं ने लिखा कि जिन जितनी अपेक्षा आपसे की गई थी उतना आपने आज़म खान को नहीं दिया गया यानी कि जितनी उम्मीदें आपसे की गई थी आज़म खान को आपने नहीं दिया यानी कि सत्ताईस महीने महीने के बाद जेल से बाहर आने के बाद आज़म खान के साथ जो आपने किया आज़म खान के साथ जिस तरीके से आपने नज़र को, को हटाए रखा जिस तरीके से उनके साथ इग्नोर किया वो वाकई में अपने आप में एक शर्मनाक है क्योंकि मुलायम सिंह यादव को याद करें चचा शिपाल को याद करें तो उस वक्त के सबसे ज़्यादा कदावर माने जाते हैं आज़म खान आज़म खान मुसलमानों का वोट बैंक माने जाते हैं और उसको आपने दरकिनार किया यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की रामपुर चुनाव में जो है वो जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा किसी को भी उतार दिया उन्होंने लोकसभा के उपचुनाव रहे या विधानसभा चुनाव दोनों में हार मिला अब यह देखना होगा कि चिट्ठी के बाद आजम खान का क्या रिएक्शन आता है और अखिलेश बाबू क्या कुछ करते हैं आज के लिए इतना ही मुझे दीजिए इजाजत तो और आप देखते रहे एसपीए न्यूज नमस्कार